तो वेलकम बैक टू फ्री एरा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं काफी सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। तो चलिए आज की हमारी पहली अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं सौरव जोशी के बारे में। तो सौरव जोशी ने एक नया रिकॉर्ड बनाया इंडिया के अंदर में, गेस करो वो क्या हो सकता है। तो सौरव जोशी ऐसे पहले इंडियन व्लॉगर्स बन चुके हैं जिनके चैनल पर 8 बिलियन से ज्यादा व्यूज है। और इसके ऊपर में बात करते हुए सौरव जोशी अपने रिसेंट व्लॉग में अपना रिएक्शन दिए। कुनाली गुड न्यूज है, अम्मा एक गुड न्यूज है, हमारे चैनल पे 8 बिलियन व्यूज हो चुके हैं कुनाली। 8 बिलियन पता कितने होते हैं? 800 करोड़, 8000 मिलियन। सबसे बड़ा नंबर है, मतलब इंडियन व्लॉगिंग हिस्ट्री में पहली बार 20 मिलियन में होने वाले। हम पहले 20 मिलियन वाले व्लॉगर होंगे। बहुत बहुत बधाई दे तेरे को, आपका आशीर्वाद है अम्मा। कैसा फील होता है, हम नंबर वन व्लॉगर इंडिया के, कैसा फील होता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। लगता है आपको, आपको फील आता है, आपको फील आता है आप नंबर वन व्लॉगर हो? आता है, कैसे आता है फील, कैसे आता है फील? दिल से। गाइस हमारे घर में कोई भी कुछ भी सोचता, मस्त रहते हैं, सिंपल पहले की तरह ही रहते हैं, कोई ऐसा कुछ कोई कुछ। तो चलिए हमारी अगली अपडेट के बारे में बात ले चुके हैं UK07 राइडर के बारे में। तो रिसेंट फ्लो के अंदर में बाबू भैया अपना रिएक्शन दिए 1 मिलियन कमेंट पर। तो जैसे कि आपको पता ही होगा उनके साहिबा 2 के ऊपर में 1 मिलियन से ज्यादा कमेंट हो चुके हैं। इस पे हम लोगों ने ना कंप्लीट कर लिए हैं साहिबा पे 1 मिलियन कमेंट। Congratulations, जाने मन 1 मिलियन कमेंट्स की बहुत बहुत बधाई। वो मेरी ब्रो से ना से पंगा नहीं ले सकती तुम। मैं पंगा लिया भी नहीं, मैंने तो बोला था हो जाएंगे, आप ही परेशान हो रहे थे। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को सबसे टेंशन ये थी कि यूट्यूब ने ना कमेंट फ्रीज कर दिए थे, तो वो स्पैम कमेंट है ना। अगर कोई एक बंदा ना 2-3 दिन बारी कमेंट कर रहा था ना, तो वो हो ही नहीं रहते। बट अगर आप मेरे साहिबा पे जाकर के देखेंगे ना गाइस, तो एक भी स्पैम कमेंट नहीं है। जितने भी कमेंट्स है ना, सारे ऑथेंटिक कमेंट्स है। लव यू बाबू भैया, साहिबा साहिबा ये साहिबा वो। एंड मैं आपको बता देता हूँ, पता है तुम्हें हमने क्या रिकॉर्ड बनाया करा? हम लोग इंडिया के वो इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बन चुके हैं जिसकी इंडिया में ना 2 वीडियोस ऐसी हैं जिनमें मोस्ट कमेंट है गाइस इंडिया में। एंड वी हैव मेड अ रिकॉर्ड। आई नेवर थॉट कि हम लोग मतलब इतना बड़ा बेंचमार्क हिट कर पाएंगे। सच्ची में मैं थोड़ा सा लाइक इमोशनल काइंड ऑफ हो रहा हूँ, बिकॉज ऑनेस्टली आज तक इकरा जितने भी वो दिया ना मैंने अपनी ब्रोस को सारे ऐसा। तो चलिए हमारी अगली अपडेट के बारे में बात ले चुके हैं एलवी यादव के बारे में। तो एलवी यादव के साथ में काफी फनी सीन हुआ। तो एक लड़की एलवी यादव के पापा के पास में आकर ये बोले कि एलविस ने उनको शादी करने का वादा किया है। और जब वहाँ पर एलविस और उनकी मम्मी गए तो पता चला कि वो किसी फेक आईडी से बात कर वहाँ पर पहुंची थी। तो किसी ने एलवी यादव की फेक आईडी बनाकर उसे चैट की एक लड़की से और उसको बोला कि उसे शादी कर लेगा। तो मैं आपको यहाँ पर एलवी यादव के व्लॉग का यहाँ पर मेन पार्ट दिखाने वाला हूँ जहाँ पर इस चीज के बारे में बात हुई। सीन हुआ हमारे घर में, मतलब मैं जिम में था, पीछे से पापा का फोन आया। फिर मैं सारी चीज समझाता हूँ, फिर मम्मी समझाई क्या। वो पापा का फोन आया, कह रहा कि एक लड़की आ रखी है। मैंने कहा अच्छा, तो कह रहे वो कह रहे कि शादी का झांसा दे रखा है एलविस ने, तो मुझे शादी के लिए बोल रखा, मैं तो यहीं रहने आई हूँ। मैं कह रहा क्या बात कर रहे हो, आपको पता लग गई। मैंने कही कि मगर कौन लड़की है। कह रहा वैसे मुझे पता, तू ऐसा नहीं कर सकता, किसी ने नकली आईडी बना के ऐसे से मैसेज कर दूंगा। वो घर आ गई कोई बंदी, मैंने कहा तो निकालो उसको बाहर। कह रहा हाँ वो कर दी, साइड कर दी, वो वहीं हांड रही है। ये वो मम्मी बताएगी अब पूरा, क्योंकि मम्मी का सामने हुआ है सब चीज़। मम्मी विल डिस्क्राइब। आवाज आई मुझे गेट के ना, यहीं हांड रही है क्या वो? किसी उस पर आ रखी है, वो ऊबर बाइक होती है ना जो, उस पर बैठ के आ रखी है ना वो बंदी। वो ना आ गई, मैं परांठे बना रही हूँ, एक परांठा और चढ़ गया उसके चक्कर में। तो तेरे पापा गए मेरे पास, कह रहे कोई बुला रखी है क्या तुमने? कौन बुला रखी है, कोई छोरी छारी है कि? लू कह रही है मिलना है, मतलब कि बुला रखा है मुझे वहाँ। तो वही तो बताऊंगी चल। अच्छा वहाँ तो आई, मैं यहाँ आई भाई मम्मी, हाँ मैं रसोई में आई, यहाँ आ गई, यहाँ यहाँ खड़ी। हाँ जी, तो कह रही वो ना मेरे पास ना एल गुरु से ना एलवी यादव के मैसेज आ रखे हैं कि मैं तुमसे ना शादी करूँगा। मैं कुछ मैं शादी करूँगा, मैं अच्छा दिखाना मैसेज। मैं उसने सुना यहाँ तक ले आई है, पूरी करके बता रही है। हाँ। कह रही मैं यहाँ तक ले आई और बैठा ली मेरा ना, वो तो बैठने की तैयारी में थी, मैं किसकी बैठने दूँ उसने? तो उन्होंने देख रही खाट बैठने की, यहाँ खड़ी थी। हाँ वहाँ तुमने बोली मेरे, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं नहीं, कह रही मैं पहले भी आई हुई हूँ, मगर यहाँ पे पता नहीं कितने बच्चे आते, किस किस ने याद रखूँगी मैं। फिर मैं यहाँ आके बोली पहले आए हुए हो? कह रही नहीं। क्यों बोला फिर? मैं आई हुई हूँ पहले। फिर वो ना जैसे मगर मैसेज दिखाओ सबसे पहले, मैसेज कह रही एल ग्रुप पे किए हुए हैं उसके ना, हाथ कांप रहे उस लड़की के। और वो एक
एक खड़ में उसने वे निकाले मैसेज निकाला एलग्रो पे की हुए एल भी शायद अच्छा ब्लू टिक कहाँ है बोलो घबरा गई निकालते निकालते कह रही है नहीं क्या वो यहाँ पे नहीं कहाँ गया है यहाँ पे घर पे नहीं है तो और उसने थोड़ी भाषा वैसी करी जैसे उन्हें कही करे जैसे भाण भाई बतलाई करें आपस में जैसे कहाँ गया है वो हाँ कहाँ गया है वो मैं सबसे पहले अपनी लैंग्वेज ठीक करो कह रही कैसे मैं कहाँ गया है वो ये कोई बात करने का तरीका है ढंग से बात करो तो दिखाया उसे मैसेज मैंने टिक मार्क कहाँ है क्या मोटे में लूंगा अगली वीडियो की एक्टिंग मैं एक्टिंग कर रही है प्रॉपर फिर अब बता मगर ऐसे ना ऊपर किसी का भी नाम फीड करके और तुम अपने आप ही वो करवा लेते हो ये बात तो बहुत गलत है मगर तुम्हारी और यहाँ मेरे घर में खड़ी होकर तुम कह रही है कोई ऐसे ऐसे एलिवेशन मगर कितनी गलत बात करके कह रही नहीं कन्फ्यूज तो मैं भी हूँ मैं तू ना कन्फ्यूज बिल्कुल भी तू बिल्कुल तरीके का ही है कह रही वो मिलना था मुझे मैं फिर झूठ क्यों बोल रही है क्या ये वो वैसे ही कह दे मिलने आई हूँ मैं तो वो दूसरे तरीके से बताती है कि भाई है या नहीं कब मिलेगा ये फलाना निकड़ा भाई गलत तरीके से घर में घुसना भाई तो बहुत गलत बात है मगर जाओ बस है ये कोई तरीके है बहुत अच्छा काम कर रहे हो घर वालों का नाम रोशन कर रहे हो वो तो मैं जिम अगर मेरे मम्मी पापा भी परेशान हो रहे हैं कि मैसेज कहाँ से आ रहे हैं तू ना पता है कहाँ से आ रहे हैं और कौन लिख रहा है मैं तो जिम में था पापा का फोन आया था चोरी पड़ गई भाई मैं यहाँ होता तो मजा आ जाता मोटे यार भगवान का सब और पूछ रही कब तक आएंगे वो मिलना था आखिर में वो सच्चाई बताई उसने कि मिलना था मुझे अब पता है सच बोल रही है झूठ बोल रही है करना ही की ना भाई मत क्या करो यार पता है क्या ये शादी ब्याह वाली बात ना फिर मेरे को सच हो जाती क्योंकि मैंने देखो बहुतों को बोल रखा दिखने में कैसी थी मम्मा पर हैंड किसी की हिंदी मत करवा मेरे अच्छा ठीक जैसी भी थी मत क्या करो ये मत क्या करो भाई ये सब यार देखो एक गंदे तरीकों से घर में घुसना और छल कपट बाजी मुझे तो ऐसा लग रहा साला मेरी गैल लगा दिया किसी ने कोई है ना कि एल्विस को एक्सपोज करना है भाई मत करो ये सब भाई बहुत गलत चीजें हैं तो चलिए हमारी अगली अपडेट के बारे में बात ले चुके हैं कैरी मिनाटी के बारे में तो कैरी मिनाटी हमें देखने को मिलने वाले हैं संदीप महेश्वरी के सेशन के अंदर में तो इसके बारे में बताते हुए संदीप महेश्वरी अपने यूट्यूब कम्युनिटी में शेयर किए और ये वीडियो आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाले उनके चैनल पर तो चलिए हमारी अगली अपडेट के बारे में बात ले चुके हैं श्रीमान लेजेंड के बारे में तो श्रीमान लेजेंड अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी अपलोड किए जहां पर वो बात किए हाईलाइट वालों से तो यहां पर कई हाईलाइट्स डालने वालों थोड़ा तो कंटेंट छोड़ दो मुझे रीयूज करने के लिए लास्ट दो वीक से ऐसी कोई भी स्ट्रीम नहीं जिसकी हाईलाइट तुमने ना डाली हो प्लीज यार एक मंथ वाला रूल फॉलो कर लो चाहो तो तुम्हारे तलवे चाट लेता हूँ तो यहाँ पर बात की है एक महीने वाले रूल के बारे में कि जब उनकी लाइव स्ट्रीम हो जाए तो एक महीने बाद उसमें से कोई भी कंटेंट डाल लो मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा तो चलिए हमारी अगली अपडेट के बारे में बात ले चुके हैं मैक्सन के बारे में तो मैक्सन शेयर किए कि उनको इंस्टाग्राम के ऊपर में कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ गई और ये उनको स्ट्राइक मिली सिर्फ ये बोलने पर गधे मैं स्ट्रीमर नहीं हूँ तो गाइज आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आज के टाइम पर जो सोशल मीडिया के रूल रेगुलेशन है वो काफी ज्यादा टफ होते जा रहे हैं तो बस यार आज के लिए बस इतना ही मिलता है आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय।